हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया बैंकिंग यूट्यूब चैनल। तो सक्सेस मंत्रा सीरीज 2019 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज। तो इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं उन सब के ऊपर आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे एवरेज। तो एवरेज क्या होती है, देखो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज का मीनिंग और कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। एवरेज को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, आज करेंगे हम पार्ट वन और कल हम करेंगे पार्ट टू। तो पार्ट वन में हमने इसका मीनिंग डिस्कस करना है, ठीक है, और जो भी इसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इसके मीनिंग से ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग की, ठीक है, तो एवरेज का मीनिंग होता है पर हेड वैल्यू, पर हेड वैल्यू आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि मेरे पास कोई वैल्यूज हैं, मैंने क्या किया उनको कुछ नंबर ऑफ पर्सन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो अगर मैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो पर हेड जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे जी, एवरेज, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो मेरे पास टोटल सम ऑफ रुपीज है 300, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इन 300 रुपीस को टोटल 5% में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, 5% है और मैं क्या करता हूं 5% में ये 300 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पर हेड हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो अगर देखो 300 रुपीस अगर मैं 5% में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो पर हेड कितना आएगा, 60, ठीक है। तो पर हेड हमारे पास जितनी भी वैल्यू आती है उसे बोला जाता है एवरेज, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला भी हमें मिल जाएगा कि जो एवरेज होती है उसको किस तरीके से निकाला जाता है, कि हम देख लेंगे कि टोटल सम कितना है, ठीक है, सम और डिवाइड बाय इसको कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर 5% में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिवाइड बाय 5, 10 में करना होगा तो डिवाइड बाय 10, या फिर अगर n परसेंट में डिवाइड करना है तो डिवाइड बाय n, ठीक है जी। एन को हम क्या कह सकते हैं कि एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, इस तरीके से समझ आ गया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर एवरेज मेरे पास सम अपॉन नंबर्स है, ऐसे अगर मुझे सम निकालना है तो सम किस प्रकार से निकलेगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सम किस प्रकार से निकलेगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स। तो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एवरेज एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है ना। देखो एवरेज का यूज ऐसा नहीं है कि हमने कभी किया नहीं है, हम हर जगह पे एवरेज का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आपके एक्सपेंसेस कितने, आपका खर्चा कितना है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा दिन का खर्चा एवरेज 200 रुपए है, या फिर हमारा महीने का एवरेज खर्चा 500 रुपए है, या फिर कई बार हम क्या बताते हैं कि हमारी बाइक की एवरेज क्या है, 40 की एवरेज पूछते हैं कि नहीं, आपकी कार की एवरेज क्या है, मान लो 20 की है ना, बाइक की एवरेज 40 की। तो एवरेज का यूज हम डेली लाइफ में करते ही करते हैं, और एवरेज होती क्या है, पर हेड वैल्यू आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, सम अपॉन नंबर्स, ऐसे ही अगर आपने सम निकालना है तो एवरेज इनटू नंबर्स। समझ आ गया सभी को, ठीक है। अब देखो इसमें एवरेज में और क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। एवरेज की जो पहली टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो अभी हम इनको ही डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे हमारे पास, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी नंबर्स के ऊपर। तो पहले आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहता हूं कि बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 1, 2, 3, 4, आपको सबको पता ही है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफिनाइट। समझ पा रहे हो बात को। ऐसे ही देखो इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं,
थ्री फाइव सेवन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो देखो नंबर सिस्टम में भी मैं इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ कि नंबर्स के बारे में जितने भी तरह के नंबर होते हैं सारे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अभी सिर्फ हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे आपको आ सकते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनाइट, इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हों, और ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना होते हों, ठीक है ना। इसके अलावा देखो अगर मैं बात करूँ कंसेक्यूटिव नंबर्स की, कंसेक्यूटिव नंबर्स कंसेक्यूटिव मतलब जो चीज लगातार चल रही हो, ठीक है ना। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये वो नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, जिनमें डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। वैसे इसको बोला जाता है जो लगातार चलते रहते हैं नंबर उनको बोला जाता है कंसेक्यूटिव नंबर्स, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर होंगे जिनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जा रहा है तो डिफरेंस कितना, 1, 1 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जब 1, 1 का डिफरेंस आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, समझ पा रहे बात को। सिमिलरली अगर मान लो मैं 2, 4, 6, 8, 10 लिख रहा हूँ तो 2 का डिफरेंस बनता जा रहा है, तो जब ये 2 का डिफरेंस बनता जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, समझ पा रहे हो ना हमारे पास। तो हम ये सिंपल एक डेफिनेशन बना लेते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स की कि ये वो नंबर होते हैं जिनमें डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। मान लो अगर मैं आपको ये कहूँ 3, 6, 9, 12, 15 और ये चल रही है सीरीज इसी तरीके से, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है ना। या फिर इन शॉर्ट ये समझ लो कि अगर हमारे पास कभी भी एपी सीरीज बन रही है, कभी भी अगर हमारे पास एपी सीरीज बन रही है तो वो कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज होगी, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास एपी सीरीज आती है तो वो कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज होने वाली है, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। उसके बाद देखो जितने भी ये नंबर हैं, जितने भी हमारे कंसेक्यूटिव नंबर हैं या फिर एपी सीरीज, तो जितने भी हमारे कंसेक्यूटिव नंबर होंगे इन सब का, इन सारे नंबर्स का अगर आपने एवरेज निकालना है, तो उसका एवरेज एक ही तरीके से निकलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। बस ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर मिलता है तो उसका जो एवरेज होगा वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। जैसे मान लो अगर मुझे इन सब का एवरेज निकालना है, ये वाले नंबर्स का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर उनका डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज हमेशा किस तरीके से निकल सकती है, हम क्या देखेंगे, फर्स्ट टर्म 3 प्लस लास्ट टर्म 15 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा मेरे पास 9। समझ पा रहे हो बात को, क्लियर है। देखो चाहे नेचुरल नंबर आ जाए, चाहे इवन नंबर आ जाए, चाहे ओड नंबर आ जाए, कोई भी नंबर अगर आपके पास आता है और अगर वो कंसेक्यूटिव है तो उसका एवरेज हमेशा कैसे निकलेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। अदरवाइज देखो हर एक का अलग अलग निकालने का तरीका होता है, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, इवन नंबर की बात करें, ओड नंबर्स की बात करें, तो सबकी एवरेज निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। तो हमने फॉर्मूलों पे नहीं जाना बिल्कुल भी, जैसे कि इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है n+1, है ना, इसका n होता है, इसका n+1 डिवाइड बाय 2, इस तरीके से होते हैं फॉर्मूले, तो हमने फॉर्मूले पर नहीं जाना। हमने सिंपल क्या देखना है कि जब भी हमारे पास कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स आते हैं तो उस केस में जो हमारी एवरेज होगी वो क्या रहेगी, हमेशा ही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। समझ पा रहे हो बात को, क्लियर है। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं थोड़े बहुत। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखना। क्या आपको इस तरीके से आ सकता है कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का बताओ एवरेज क्या रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से, पहले तो देखो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 से शुरू होंगे, 2, 3, up to 100, यही होते हैं ना फर्स्ट 100। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम किस तरीके से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, कि देखो जब भी आपसे एवरेज पूछी गई हो और नंबर आ जाए मेरे पास कंसेक्यूटिव, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा हमारा 50.50। ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझ पा रहे हो जी? ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको ये कह देता कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, आपसे एवरेज ना पूछ के वो सम पूछ लेता, तो सम के लिए भी देखो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो एवरेज आपने निकाली है, जो बिना पेंसिल आए भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, मतलब आपको अगर मैं पूछता तो कि एवरेज क्या है, कि पॉइंटों के अलावा भी आप ऐसे बता सकते थे कि एवरेज क्या है हमारे पास, 101 डिवाइड बाय 2। इसके लिए पेन की जरूरत नहीं थी हमें, है ना, 1 + 100, 101 डिवाइड बाय 2, तो 101 डिवाइड बाय 2। ऐसे ही देखो, अगर आपसे पूछे सम क्या रहा होगा, तो हम सम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सम का आपको फॉर्मूला बताया था कि सम क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स। सम क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स। और यहाँ पे अगर देखा जाए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या रही होगी, 100, है ना, पहले 100 नेचुरल नंबर्स में से 100 ही होंगे नेचुरल नंबर, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे यहाँ पे सम निकालना है, तो सम आएगी एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, तो एवरेज है 101 डिवाइड बाय 2, और अगर मुझे सम चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ये 50 से कैंसिल हो जाएगा, तो 50 आंसर आ जाएगा 5050। ठीक है, जैसे एक सवाल और देखते हैं हम इसके ऊपर। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइंड एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 150, कि 50 से लेके 150 तक बताओ जितने नेचुरल नंबर है उनका सम क्या रहा होगा। ठीक है, सॉरी, सम पूछा गया होगा आपसे, क्योंकि एवरेज तो निकालनी ही है ना हमने, तो सम ही निकालते हैं डायरेक्ट। तो क्या करना है, सबसे पहले सीरीज कुछ इस तरीके से बनेगी, मतलब आपको ऐसे भी लिख सकता है वो कि बताओ इसका कितना आंसर रहेगा, ये चीज पूछ लेता आपको, कई बार ऐसे लिख देता है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो करना किस प्रकार से, इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहला काम, अगर आपको सम चाहिए तो सम क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर्स। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो एवरेज चाहिए और एक नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो वो कितनी आएंगी, ये ध्यान से देखना आप, 50 से लेके 150 तक कितने नंबर्स होते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले ये देखते हैं कि ये बताओ मुझे कि 5 से लेके 10 तक कितने नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखो कई बच्चे फटाफट बोल देंगे, मन में भी आ रहा होगा कि भाई 5 से लेके 10 तक तो 5 नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो 5 नंबर नहीं होते, ध्यान से देखना, 5 से लेके 10 तक 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने नंबर हो गए, 6, कितने नंबर हो रहे टोटल, 6, यानी कि 5 से लेके 10 तक कितने नंबर होते हैं, मैंने 6। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा ही क्यों हुआ है, ठीक है, एक नंबर ज्यादा क्यों आ रहा है हमारा, वो थोड़ा समझ लो, कि हम क्या कर रहे थे, दोनों नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग वाला और एंड वाला दोनों नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो जब भी हम दोनों नंबर्स को इंक्लूड करेंगे, तो उस केस में बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, कि जब भी हम दोनों नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, तो जो हमें लगेगा ना, उससे एक ज्यादा नंबर आएगा, जो भी हमें लगता होगा उससे एक ज्यादा नंबर आएगा। बस जैसे 50 और 150 के बीच 100 नंबर लग रहे हैं ना हमें, लेकिन आंसर 100 नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा, 101। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगी, 101। जब भी दो नंबर्स दोनों को इंक्लूड करोगे, तो आंसर हमेशा एक ज्यादा आएगा। ठीक है, तो करना किस तरीके से, अब हमने, अगर आपसे सम पूछा गया है, तो पहले हम एवरेज निकालेंगे, और एवरेज क्या आएगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि 200 डिवाइड बाय 200 हो जाएगा, 50 प्लस 150 200 बटे 2 100। ठीक है, तो 100 आ गया एवरेज, और मल्टीप्लाई बाय नंबर्स निकालने हैं, तो इनटू 101 कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10100। समझ आ गया सभी को, ये क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से निकाला जाता है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन इसके ऊपर। आज का जो हमारा सेशन होगा, वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर ही है कि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, इनको बिना फॉर्मूले के कैसे करें हम। ठीक है ना, चलिए एक सवाल और देखते हैं, कि मान लो आपसे ये आ जाए कि फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 100 to 250।
ठीक है, 100 से लेकर 250 तक बताओ कितने इवन नंबर हैं, उनका सम बताओ क्या रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर से वही बात कि अगर मुझे सम निकालना है तो सम निकालने के लिए एक तो एवरेज चाहिए और एक मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकलेंगी इनको थोड़ा सा समझना है हमने, ठीक है जी। अब देखो 100 से लेकर 250 तक और मुझे नंबर जो चाहिए वो चाहिए इवन नंबर। अब इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं उसको थोड़ा समझ लो। मान लो अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि एक से लेके दस तक बताओ कितने इवन नंबर और कितने ऑड नंबर हैं, ठीक है। तो आपको देखो काउंट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आधे इवन आधे ऑड, ठीक है, आधे नंबर होते हैं इवन और आधे क्या नंबर होते हैं हमारे पास ऑड होते हैं। मतलब एक से लेके दस तक पांच आएंगे मेरे पास इवन नंबर और पांच ही आएंगे मेरे पास जी ऑड नंबर, ठीक है ना। सिमिलरली जब आपने ये वाला क्वेश्चन करना होगा तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे कि 100 टू 250 की बात करें तो हमें कितने नंबर लग रहे हैं, 150 ना, हमें कितने नंबर लगते हैं यहाँ पे 100 से लेके 250 तक 150 नंबर लग रहा है कि 150 नंबर्स होंगे। तो ये जो 150 नंबर्स मेरे पास होने वाले हैं तो इन 150 नंबर्स में इवन नंबर कितने ऑड नंबर कितने, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होने वाला है 75 आएंगे इवन नंबर, 75 ही आएंगे हमारे पास ऑड नंबर, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे 100 और 250 दोनों को इंक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास इवन नंबर है। तो अगर दोनों नंबर्स को मुझे इंक्लूड करना है तो जो भी हमें लग रहा होगा आंसर हमेशा उससे एक ज्यादा रहता है, समझ पा रहे हो बात को। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगी 76। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो मेन तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना ही है, अगर वो आपने सही निकाल ली तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या करना है फिर से देखो, हमने देखा 100 टू 250 कितने नंबर बन रहे हैं हमारे हिसाब से 150, तो उस 150 में से 75 ऑड होंगे 75 इवन होंगे, तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा कि हमें तो दोनों नंबर इंक्लूड करने हैं, ये जो 100 और ये 250 है ये दोनों क्या है इवन नंबर्स हैं, तो दोनों को अगर मुझे इंक्लूड करना है तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। तो कितने इवन नंबर आ गए टोटल 76, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 76 और अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो चलो ऐड करते हैं 350 आ जाएगा डिवाइड बाय 2, समझ आ गया ना। तो मैं इस 2 को ऐसा करता हूँ यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, इस 2 को मैं ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ। अब देखो मुझे मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है इसको थोड़ा समझना है। अब अगर आपको 350 इंटू 38 करना नहीं आता, क्योंकि देखो 38 का टेबल थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं उसको पता कैसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे बना लेते हैं कि 350 इंटू 2 इंटू 19, 350 इंटू 2 इंटू 19 ये 38 ही अभी भी, ठीक है ना। तो इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 700 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया, मुझे 38 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ 19x7 करना है। अब और 19x7 सबको आता होगा और अगर नहीं आता है तो याद कर लो भाई, ये तो जरूरी है। तो आ जाएगा ये 133 और साथ में लगा देंगे 2 0, समझ आ गया सभी को, ठीक है। ये था इवन नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन, अब हम ऐसा करेंगे एक ओड नंबर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, कि अप टू 100 तक बताओ ऑड नंबर्स का सम कितना है। तो देखो शुरू कैसे करेंगे हम, ये पूछा गया आपसे 1+3+5+7+9+11 up to 100, ठीक है, प्लस 100, समझ पा रहे हो बात को। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सम क्या है, तो सम कैसे निकलेगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। मैं फिर से लिख रहा हूं कि सम किस प्रकार से निकालेंगे हम, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स। तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना जरूरी है, तो चलो निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। मेरे ख्याल से अब आपको निकालनी आ चुकी होगी कि अगर हम अप टू 100 की बात करें तो फर्स्ट 100 नंबर्स में से कितने इवन कितने ओड, आधे इवन आधे ओड, यानी कि 50 क्या रहे होंगे यहाँ पे ओड नंबर्स। अब आप में से कईयों का डाउट रहा होगा कि मैं प्लस 1 क्यों नहीं किया यहाँ पे। अब देखो प्लस 1 हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो हमने इंक्लूड करना है 1, लेकिन ये 100 हमने इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 100 जो है वो इवन नंबर नहीं ऑड नंबर नहीं है, यानी कि मुझे जो सीरीज चलानी है वो 100 तक नहीं जाएगी, वो कहाँ तक जाएगी 99 तक,
समझ पा रहे हो बात को, ये पूछा गया आपसे, इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या आई है, 50 आई है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो अगर आपने वही प्लस वन वाला तरीका यूज करना है तो आप चेक करो 1 और 99 में कितने का डिफरेंस आता है, 98 का, तो 98 में से 49 इवन 49 ओड, तो ये जो 49 हमारे पास ओड नंबर आए हैं 49 वो लिखो और दोनों नंबर इंक्लूड करने हैं तो उसका प्लस वन लिख दो तो 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो एवरेज निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो 1 प्लस 99 100, तो 100 डिवाइड बाय 2 बनेगा मेरे पास 50 और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं 50, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2500। क्लियर है सभी को ये, ठीक। तो ये था हमारे पास एवरेज का पार्ट वन जिसमें हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखे। तो अब देखो आपने क्या करना है, कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कंसेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर तो इसको इसी तरीके से ही करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो देखिए जी, इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मॉक टेस्ट हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं हमारे पास या जितने भी हमारे क्लास लेक्चर्स हैं, वो सारा का सारे 2 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको जाओ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, साथ में उन लेक्चर्स को भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे